नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप बच्चों के स्वेटर में और लेडीज प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम ऑड नंबर में कितने भी फंदे ले सकते हैं और ये डिजाइन सामने की तरफ से बनेगा, तो हमें अगर फंदे बढ़ाने हो तो हम रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बना लिए। अब यह डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे और ये तीसरा लाइन है, तो तीसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे। और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने चार लाइन प्लेन बुन लिया, फ्रंट साइड से सभी फंदे सीधे और बैक साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर ऊन को फिर अगले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन को चढ़ाकर सिलाई पे वापस अपनी तरफ लाएंगे। अगला फंदा उल्टा, स्लिप करेंगे, ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें दोहराना है। एक फंदे को स्लिप करना है, ऊन हमारी तरफ है, इसे वापस घुमाकर अपनी तरफ ही लाना है और अगले फंदे को उल्टा बुन लेना है। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, ऊन हमारी तरफ है, इसे सिलाई पे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ ही लाना है और अगले फंदे को उल्टा बुन लेना है। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। क्योंकि हमने आठ नंबर में फंदे लिए हैं, तो पहला फंदा उल्टा है और लास्ट फंदा भी उल्टा ही आएगा। अब डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब ये जो हमने थ्रेड ऊपर से लिया था उसे भी हम स्लिप कर लेंगे और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उस फंदे को भी स्लिप कर लेंगे। तो अब हमारे सिलाई पे देखिए दो फंदे हो गए हैं, एक ये हमारा थ्रेड और दूसरा ये हमारा फंदा, दो फंदे हो गए हैं। अब ऊन हमारी तरफ है और नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है। फ्रंट साइड से इसे हमने उल्टा बुना था और रॉन्ग साइड से इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, नेक्स्ट फंदे को देखिए ये दो हैं धागे, इन दोनों को हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को सीधा बुनना है। इसे स्लिप करेंगे, देखिए एक हमारा जो थ्रेड हम ऊपर से घुमा के लाए थे वो, और एक फंदा जिसे हमने स्लिप किया था, इन दोनों को हमें स्लिप कर लेना है और इस फंदे को उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से इसे हम सीधा बुनेंगे और इसके पहले थ्रेड को अपनी तरफ कर लेंगे। तो स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना, ऊन को अपनी ओर किया, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना, वापस ऊन को अपनी तरफ किया, स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा, जिसे हमने स्लिप किया था उसे हम वापस स्लिप कर लेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप करेंगे,
अगले फंदे को सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह आ रहा है। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो सातवां लाइन हम पांचवें लाइन की तरह ही बनाएंगे। पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे। अब की हम तीन धागे को देखिए, ये एक, ये दो और ये तीन, इन तीनों को हम स्लिप कर लेंगे, उनको वापस चढ़ाकर अपनी तरफ लाएंगे। और अगला फंदा ये देखिए उल्टा बुना हुआ है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब इन तीनों को हम स्लिप कर लेंगे, उन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अगला फंदा देखिए उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किया, उन चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाए, अगला फंदा उल्टा, इसे उल्टा बुन लिया। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा तीन थ्रेड है और चढ़ा के लाए, तो ये हो गया चार। अगला फंदा उल्टा, स्लिप किया, उन चढ़ा के वापस अपनी तरफ लाए, अगले फंदे को उल्टा बुन लिया। डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो हमने सातवीं लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और अब देखिए एक, दो, तीन और ये चार, जो हमारा सेकेंडरी प्राइमरी कलर वाला फंदा है वो चार, चार थ्रेड ये हमारे सिलाई पे हो गए हैं। और इन चारों को हम बैक लूप से, देखिए बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा ही बुनेंगे। अब सिलाई डालेंगे, देखिए सिलाई पे चार फंदे हो गए हैं, एक, दो, तीन और चार, देखिए एक, दो, तीन और चार, चार फंदे हो गए हैं। ऐसे सिलाई डाला, इसे घुमाकर दाहिनी सिलाई को सामने की तरफ ला देंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा है, सिलाई डालेंगे चारों फंदों के अंदर से, ऐसे सिलाई डालेंगे, सिलाई को घुमाकर सामने की तरफ करेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे। देखिए ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, सिलाई को घुमाकर फ्रंट की तरफ ले जाएंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, चारों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा। तो चौथी लाइन में हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं और ये स्लिप किए हुए फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे। इस स्लिप किए हुए फंदे को इस सामने की तरफ से हमें नहीं बुनना है, जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं सीधा फंदा, ऐसे हमें नहीं बुनना है, बल्कि बैक लूप से हमें इन्हें सीधा बुनना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि इन्हें हमें फ्रंट से ऐसे ना बुन के ऐसे बैक लूप से ही बुनना है। तो सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर फिर हम इन आठ लाइनों को दोहराते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। इसे यदि हम मोटे ऊन से बनाएं तो ये और भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये सामने से ऐसा है और बैक से ऐसा।
तो डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।